बेशर्मी की हद होती है। एक बार मिल जाए तो एक छापा लगाना चाहिए। एक बार हाथ आने दो मेरे, ऐसी सीख दूंगा। पता नहीं कौन है ये जिसे प्रेमचंद बनने का शौक चढ़ा और दीवार हमारी गंदी कर जाता है। रोज रोज साफ करता हूं मैं और रोज लिख के जाता है। अजीब सिलसिला है। यहां वो कपड़ा रखा था दीवार साफ करने वाला, कहां गया वो? और लिखता भी क्या है? चील कौए बनाता है। क और फ में फर्क तक मालूम नहीं है। ऐसा लगता है जैसे दोनों अक्षर डबल रोल कर रहे हो। कोई पढ़ लेगा ना तो अंधा ही हो जाएगा, कोई सलीका ही नहीं है। हैंडराइटिंग देखिए इनकी कितनी खराब है। अरे फाउंटेन पेन कभी हाथ में पकड़ा ही नहीं तो हैंडराइटिंग खाक अच्छी होगी इनकी। डॉक्टर ने क्या कहा? क्या कहेगा वो? मन से तो मैं पोएट हूं, डॉक्टर तो ऐसे ही बन गया। अरे क्यों बन गया तुम ऐसे ही डॉक्टर? और उसे इतने दिन से पता है ना, फिर भी मेरे सामने बैठा तरबूज खा रहा और मुझसे पूछ भी रहा है तरबूज खाओगे? अरे नहीं खाना मुझे तरबूज। कितने उसके... दिन और है? चार पांच महीने बोलता है। अरे सरोजा, ये स्वेटर तो बहुत खूबसूरत है। हाँ बहुत अच्छा है। मैंने तो एक बार भी नहीं पहना। एक काम करना, सुशील को दे देना। अब मैं कहाँ पहन पाऊंगा? वैसे भी सर्दियां तो 5-6 महीने बाद ही आएंगी। अरे ठीक ही तो कह रहा हूं, अब रोना मत। कौन सा कोई काम अधूरा छोड़ के जा रहा हूं? तीनों बच्चों को अच्छे से पढ़ाया लिखाया है। छोटी तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ी है। दोनों बेटियों की अच्छे से शादी की है, खुश हैं अपने अपने घरों में। तुम्हारा बेटा सुशील वेल सेटल्ड है, अपना मजा कर रहा है और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है। बाबूजी ने बोला तीर्थ करवा दो, जहाँ जा बोला लेके गए, अमरनाथ बद्रीनाथ कितनी जगह। तुम्हारी इच्छा थी मोटरसाइकिल ले दो, सो वो भी पूरी हो गई। हाँ बस एक सपना था, वो पूरा नहीं हो पाया। सरोजा ये देखो, ये कंधा जो दिख रहा है ना, ये मेरा है। नहीं नहीं आप ये हैं, उस दिन बेल बॉटम पहन रखी थी याद है? ये हैं आप। ये हूँ मैं। पैर ऊपर उठा दिया, ऑफिस से छुट्टी ली थी उस रोज। कितनी तमन्ना थी एक बार अखबार में नाम और फोटो छप जाए। जहां जलसा हुआ, जहां रैली हुई, जहां मालूम पड़ा अखबार वाले फोटो खींच रहे, पहुंच गया मैं। ये देखिए। लेकिन कभी हाथ तो कभी कंधा तो कभी पाव। बस एक बार मैंने मुंडी घुसा के कैमरे के सामने कर दी और तरबूज सामने आ गया। नफरत है मुझे तरबूज से, नफरत। क्या है ये? FD है, तुड़वा लीजिए। अखबार में बड़ी फुल पेज फोटो छपवाएंगे आपके शोक संदेश के साथ। अरे जितना रोना धोना है मेरे बाद रो धो लेना, अभी तो कुछ दिन हंस बोल लो। हाँ और इन अखबार वालों का रेट मालूम भी है तुमको? ये पैसे बाद में तुम्हारे काम आएंगे। मेरे शौक के लिए इन्हें बस
ऐसे ही उड़ा नहीं सकते हैं। हम दोनों के बुढ़ापे की है नहीं एफडी, आधे आपके आधे मेरे, आप अपने आधे ले लो। अंकल जी थोड़ा कम है तो ना। हाँ ये अंकल जी थोड़ा और कम कर लो प्लीज। एक मिनट जरा या वहाँ पे एक मिनट जरा कॉलर ठीक कर लो। आंटी जी प्लीज। हाँ हाँ ओके ओके ओके। बेटा एक मिनट, मैं सोच रहा हूँ खड़े होके खिंचवाते हैं, मैं ये हटा देता हूँ। ठीक है जी। के हाँ शुरू जा। हाँ क्या? हम दोनों एक साथ खिंचवा लेते। क्यों? समझा करो ना, बाद में बच्चों के काम आएगी। टुगेदर स्माइल। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे अगर बचपन में आपने उस लड़की को चिट्ठी लिखी भी थी तो मुझे क्यों बता रहे हैं? अब मैं क्या कर लूंगी? इसीलिए तो बता रहा हूँ भाई, हम तो अपने सारे हिसाब किताब पूरे करके जा रहे हैं, अब तुम अपना पकड़ो 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 आज तो इसकी चोट। अबे गधे, प्रेमचंद की औलाद, आज पकड़ में आया तू? क्या कर रहा है ये? अबे नालायक, जिस दीवार को लिखकर तू गंदी कर रहा है ना, इसे पेंट करवाने में 1200 रुपए लगते हैं, समझा? और लिखता भी क्या है? क्या लिखा है ये? चील का हुआ बनाता है, है? ऐसे लिखते हैं? सुनिए, का और फा में फर्क मालूम नहीं है, ला और हा में फर्क मालूम नहीं है, ये लिख लिख के मेरी दीवार जो गंदी कर रहा है तू, है? क्या ये? शांत हो जाइए। क्या लिखा है ये? कौन सी चिड़िया बनाई है? कौन सी चिड़िया ये है? ता है वो। ता है? अबे ता ऐसे लिखते हैं? किसने लिखना सिखाया? किसी ने नहीं। किसी ने नहीं सिखाया मतलब? मैं स्कूल नहीं जाता, घर पे पैसे नहीं है। फोटो छप गई है,